क्लिप नंबर टू नाइन इस क्लिप में आप अनाम की आयत नंबर से एटी वन तक की तिलावत तर्जमा और तफसीर कुरान से रातुल जी समात फरमाएंगे बिस्मिल तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है

मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया हज़रत इब्राहिम ने झूठे मबूदो से बेजारी मुंह उस अलाज्जल की बारगाह की तरफ किया जिसने आसमान और जमीन बनाए और मैं मुशरकों में से नहीं हूँ यानी इस्लाम के सिवा बाकी तमाम अदियान से जुदा रहकर मैं अल्लाह अज्जल के सामने झुकने वाला हूँ हनीफ के माना इस आयत मेंज़रत इब्राहिम ने खुद को हनीफ फरमाया हनीफ के माना है तमाम झूठे दीनों से साफ और हर बातिल से जुदा दीन हक के की सूरत इससे और इसकाम जब ही हो सकता है जबकि तमाम बातिल दीनों से बेजारी और दीन हक पर पुख्तगी हो दीन के मामले में पिलपिले पन का मुजाहरा करने सबको अपनी अपनी जगह दुरुस्त मानने और सब मजाब में इतफाक और इतहादा करने की कोशिश करने से हक का मुमकिन नहीं नमाज से पहले पढ़ा जाने वाला वजीफा नमाज शुरू करने से पहले एक वजीफा पढ़ा करते थे उसके बारे में हजरतज़ा करीम फरमाते हैं जब नमाज शुरू करने के लिए खड़े होते तो ये पढ़ा करते थे हर बातिल से जुदा होकर अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और जमीन बनाए और मैं मुश्रकों में से नहीं हूं बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियां और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है उसका कोई शरीक नहीं उसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमान हूं वह ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون ترجمه اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो हालांकि वो तो मुझे हिदायत अता फरमा चुका और मुझे उनका कोई डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो अलबत् मेरा रब कोई बात चाहे मेरे रब का इल्म हर चीज को मुहित है तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी जब हजरत इब्राहिम ने ऐलान हक फरमाया झूठे मबूदों का रद्द किया और तोहीद बारी ताला को बयान फरमाना शुरू किया तो कौम आप से झगड़ने लगी लगी और कहने कहने कि ए इब्राहिम बुतों से से डरो उन्हें बुरा कहने से खौफ खाओ कहीं आपको कुछ नुकसान न पहुंच जाए उनके जवाब में हजरत इब्राहिम ने फरमाया क्या तुम अल्लाह अल्लाहल के बारे में मुझसे झगड़ते हो हालांकि वो तो मुझे अपनी और मारिफत की हिदायत अता फरमा चुका और मुझे उन बुतों का कोई डर नहीं जिन्हें तुम अल्लाह अलाजल का शरीक बताते हो क्योंकि वो बुत बेजान है ना नुकसान दे सकते हैं और ना नफा पहुंचा सकते हैं उनसे क्या डरना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता सिवाय उसके कि मेरा रब कोई बात चाहे तो वो हो सकती है क्योंकि मेरा रब अबिल काद मतलक है ना ये कि तुम्हारे बुतों के चाहने से कुछ हो हजरत इब्राहिम सलातम ने ऐसे खतरनाक मौके पर भी ईमान न छुपाया बल्कि अपने ईमान का ऐलान फरमा दिया इससे यह भी मालूम हुआ कि पैगम्बर अली के दिल में मखलूक की ऐसी हैबत नहीं आ सकती جو انہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقْ तर्जमा और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरू और तुम उस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का शरीक उसको ठहराया जिसकी कोई दलील अल्लाह ने तुम पर नहीं उतारी तो दोनों ग्रोहों में अमान का ज्यादा हकदार कौन है अगर तुम जानते हो वकई तुम। और मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरूं हजरत इब्राहिम ने मजीद फरमाया कि मैं तुम्हारे शरीकों से क्यों डरू जो बेजान जमादा आजिज बेबस हैं और मुझे डराने की बजाय तो डरना चाहिए क्योंकि तुमने इन बुतों को अल्लाह अजबल का शरीक ठहराया जिनके शरीक होने की तुम्हारे पास कोई दलील नहीं इस बात को सामने रखकर गौर करो कि अमन का मुस्तक कौन है वो मोमिन जिसके पास अपने अकीदे की हकानियत के दलाइल है या वो मुशरक अमन का मुस्तक है जिसके पास उसके अकीदे की कोई माकूल और काबिल कबूल दलील नहीं है